हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले आपने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा, आज आप सेक्शन फार्मूला के बारे में पढ़ोगे। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? एक लाइन दी हुई आपको, ए पॉइंट्स दिया हुआ इसमें एक्स वन वाई वन एंड बी पॉइंट्स दिया एक्स टू वाई टू। जब कोई लाइन में कोई पॉइंट डिवाइड करता है उसको रेशियो फॉर्म में, जब कोई लाइन में कोई पॉइंट एंड द पॉइंट पी डिवाइड करता है उसे रेशियो फॉर्म में डिवाइड करता है, तब अप्लाई करते हैं सेक्शन फार्मूला। जब भी कोई पॉइंट लाइन को डिवाइड करेगा किसी रेशियो फॉर्म में, फिक्स रेशियो फॉर्म में, तब अप्लाई करोगे आप सेक्शन फार्मूला। अब देखिए सेक्शन फार्मूला क्या होता है। एक्स इजिकल टू फर्स्ट ऑल एम वन की आप मल्टीप्लाई किससे करोगे? एम वन की मल्टीप्लाई करोगे आप एक्स टू से, एम वन एक्स टू प्लस देन एम टू की मल्टीप्लाई करोगे एक्स वन से, एम टू की मल्टीप्लाई एक्स वन से, देन सम ऑफ रेशियो एम वन प्लस एम टू। फर्स्ट ऑल क्या किया आपने, एम वन की मल्टीप्लाई किससे की? एक्स टू से की, एम टू की मल्टीप्लाई एक्स वन से की, एम वन की मल्टीप्लाई एक्स टू से, एम टू की मल्टीप्लाई एक्स वन से, देन सम ऑफ रेशियो। इससे आप किसके पॉइंट निकालोगे? एक्स के पॉइंट निकलेंगे। फिर देन वाई के पॉइंट कैसे निकालोगे? एम वन की मल्टीप्लाई किससे होगी? एम वन की मल्टीप्लाई होगी वाई टू से और एम टू की मल्टीप्लाई होगी वाई वन से, एम टू की मल्टीप्लाई वाई वन से, एंड सम ऑफ रेशियो एम वन प्लस एम टू। ये आपको होता है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला तभी अप्लाई होगा जब कोई लाइन ए बी दी हुई है और पॉइंट पी डिवाइड कर रहा है इसको रेशियो फॉर्म में। देन इसके बाद आपका है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला में भी दिया होगा आपको एक्स वन कोमा वाई वन पॉइंट होगा कोई, एज्यूम किया हमने, एंड बी पॉइंट एज्यूम किया एक्स टू वाई टू। इसमें आपको मिड पॉइंट निकालना होगा एम। एम क्या दिया है सर? मिड पॉइंट। अगर किसी लाइन में एक मिड पॉइंट दिया हुआ है ए बी लाइन में, तो इसमें मिड पॉइंट फार्मूला लगेगा आपका। मिड पॉइंट ले लिया एक्स कोमा वाई, तो मिड पॉइंट निकालना फार्मूला होता है एक्स इजिकल टू एक्स वन प्लस एक्स टू, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू वाई इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू। इसके बाद देखिए एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर वन। इसमें दिया आपको फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ए पॉइंट दिया है माइनस वन कॉमा सेवन एंड बी दिया हुआ है फोर कॉमा माइनस थ्री इन द रेशियो। इसमें ध्यान रखिए क्या दिया हुआ है, इसमें रेशियो दिया हुआ है आपको, इन द रेशियो टू रेशियो थ्री। क्या दिया हुआ है? टू रेशियो थ्री। तो हम लेट करेंगे, लेट द कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए ऑफ द पॉइंट पी के एक्स कोमा वाई, क्या मान लिए? एक्स कोमा वाई। हमने एक लाइन ड्रॉ की ए बी, ए के पॉइंट क्या दिए हुए हैं? माइनस वन कोमा सेवन एंड बी के दिए हुए हैं फोर कोमा माइनस थ्री। बी के कितने दिए हुए हैं? फोर कॉमा माइनस थ्री। एंड पी पॉइंट क्या दिया हुआ है इसमें आपको? पी पॉइंट दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई, आपने एज्यूम किया था इसमें। एंड रेशियो क्या दी हुई? रेशियो दी हुई आपको टू रेशियो थ्री। क्या दिया हुआ है? टू रेशियो थ्री। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है आपका? सेक्शन फार्मूला
क्या था आपका सेक्शन फॉर्मूला, बताया था आपको मैंने अभी। सेक्शन फॉर्मूला था आपका x इक्वल टू एम वन एक्स टू, एम टू एक्स वन, एम वन प्लस एम टू। तो अप्लाई करोगे आप सेक्शन फॉर्मूला इसमें, एक्स इक्वल टू एम वन एक्स टू, एम टू एक्स वन, एम वन प्लस एम टू। इसमें आपका ये होता है एक्स वन, ये आपका एक्स वन होता है, ये वाई वन होगा, ये आपका क्या होगा एक्स टू एंड वाई टू। तो एक्स वन कितना है आपका माइनस वन, वाई वन कितना है सेवन, एंड एक्स टू कितना है फोर, वाई टू कितना है माइनस थ्री। और रेशियो कितने दिया आपको, टू रेशियो थ्री दिया हुआ है। तो रेशियो कितने, टू रेशियो थ्री दिया हुआ है, ये आपका एम वन होता है, ये एम टू। ऐसे अप्लाई किया आपने फार्मूला, क्या अप्लाई किया था, एक्स इक्वल टू एम वन एक्स टू, एम टू एक्स वन, एम वन प्लस एम टू। अब देखिए इसमें एम वन कितना दिया हुआ है, इसमें टू, एम वन टू है टू, एक्स टू कितना है फोर, एक्स टू फोर है, एम टू कितना है थ्री, एम टू थ्री है, एक्स वन कितना है माइनस वन, माइनस वन, एम वन प्लस एम टू, टू रेशो थ्री दिया हुआ है, टू प्लस थ्री, टू मल्टीप्लाई फोर एट, प्लस माइनस माइनस थ्री, टू प्लस थ्री फाइव, एट माइनस थ्री फाइव अपॉन फाइव, फाइव से फाइव कैंसिल, आंसर वन। देन इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है आपका, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। आपने क्या किया, फाइव पॉइंट फाइव, फाइव से फाइव कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया वन आ गया। इसके बाद आपने क्या निकालने, वाई के पॉइंट। इसके बाद क्या निकालने आपने, अभी एक्स के पॉइंट निकाली, एक्स की वैल्यू कितनी आपकी वन आ गई। इसके बाद आप निकालोगे वाई के पॉइंट। अब वाई का फॉर्मूला क्या बताया था मैं आपको, मैंने वाई का फॉर्मूला होता है एम वन वाई टू, एम टू वाई वन, एम वन प्लस एम टू। देन में वाई के पॉइंट निकालोगे आप, वाई के पॉइंट का फॉर्मूला होगा वाई इज इक्वल टू एम वन वाई टू, एम टू वाई वन, एम वन प्लस एम टू। ऐसे पॉइंट के दिए हुए एम वन कितना है टू है, एम टू थ्री है, वाई के पॉइंट निकालने हैं आप इसमें आपने, एम वन कितना है इसमें टू, वाई टू कितना है माइनस थ्री, एम टू थ्री, वाई वन सेवन, एम वन प्लस एम टू, टू प्लस थ्री।
टू माइनस थ्री माइनस सिक्स, थ्री मल्टीप्लाई सेवन 21, टू प्लस थ्री फाइव, 21 माइनस सिक्स 15 अपॉन फाइव, फाइव टाइम्स वन, फाइव टाइम्स थ्री 15, फाइव टाइम्स थ्री 15, थ्री आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन में सेकंड में दिया आपको, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 4, -1 एंड -2, -3। आपको इसमें दिया हुआ है ट्राइसेक्शन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। जो ये लाइन है वो ट्राइसेक्शन कर रहे हैं, ट्राइसेक्शन मतलब तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं पॉइंट्स, वन टू थ्री, ये तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ट्राइसेक्शन में तीन इक्वल पार्ट्स, ट्राइसेक्शन में थ्री इक्वल पार्ट्स, वन टू एंड थ्री। इसमें आपको ए के पॉइंट दिए हुए हैं 4, -1 एंड बी के दिए हुए हैं -2, -3 एंड ट्राइसेक्शन मतलब थ्री इक्वल पार्ट्स। तो देखिए ये थ्री इक्वल पार्ट्स हैं, तो उसमें ए पी कितना हुआ आपका वन पार्ट है, पी क्यू कितना है एक वन पार्ट हुआ इसका भी, ये भी वन पार्ट हुआ इसका, 1:1 हुआ। अब निकालेंगे ए पी का, ए पी का रेशियो पी बी के साथ कितना होगा। देखिए ए पी कितना है आपका वन है, और पी बी में कितना आ रहा है, पी से बी में एक पी क्यू आ रहा है एक क्यू भी आ रहा है, टू पार्ट्स में हो रहे हैं, तो ये हो गया पी बी कितना हो गया टू हो गया, इसलिए पी का रेशियो कितना हुआ 1:2। दोबारा देखिए ये ट्राइसेक्शन मतलब होता है थ्री इक्वल पार्ट्स, वन पार्ट्स है, सेकंड पार्ट्स है, थर्ड पार्ट्स है। हमने ए पी कितना कितना रेशियो में है, ए पी कितना है वन है, पी से बी की डिस्टेंस ये वन पार्ट हुआ एंड वन पार्ट 1+1 टू, तो पी बी टू हो गया आपका, और ए पी का रेशियो कितना हो गया वन, तो ए पी रेशियो पी बी हुआ आपका 1:2। ए पी रेशियो पी बी कितना हुआ आपका 1:2। हमने पॉइंट्स किसके निकालने हैं, इसमें फर्स्ट और पी के पॉइंट्स निकालने हैं, देन क्यू के पॉइंट्स निकालेंगे। अब देखिए पी के पॉइंट्स निकालेंगे, इसमें भी सेक्शन फार्मूला अप्लाई होगा आपका, ए के पॉइंट से 4, -1, पी पॉइंट्स इसमें आप एक्स कॉमा वाई एज्यूम कर लिया आपने, रेशियो क्या दी हुई है इसमें 1:2, क्योंकि ए पी वन पार्ट है आपका और पी से बी की डिस्टेंस कितना है टू पार्ट्स में। ये ए पी रेशियो पी बी होगा 1:2। आपको पॉइंट से निकालने हैं एक्स कोमा वाई के, तो फार्मूला आपका होता है, सेक्शन फार्मूला क्या था, एक्स इज इक्वल टू एम वन एक्स टू, एम टू एक्स वन, एम वन प्लस एम टू। एम वन कितना है आपका, ये आपका एम वन है, ये एम टू है, ये एक्स वन, ये वाई वन, ये एक्स टू, ये वाई टू। एम वन कितना है वन, एक्स टू कितना है -2, एम टू कितना है टू, एक्स वन कितना है फोर। एम वन प्लस एम टू 1+2,
माइनस टू, टू मल्टीप्लाई फोर एट, माइनस टू प्लस एट सिक्स अपॉन थ्री, आंसर आ गया टू। देन इसके बाद आपने एक्स के पॉइंट निकाल लिए, अब आप इसी तरह वाई के पॉइंट निकालोगे सेक्शन फार्मूले से। आप अपने वाई के पॉइंट निकाल लें सेक्शन फार्मूले से। वाई इज इक्वल टू वाई का फॉर्मूला इज आपका होता है वाई इज इक्वल टू एम वन वाई टू एम टू वाई वन एम वन प्लस एम टू। एम वन कितना दिया हुआ आपका, इसमें एम वन कितना है आपका, एम वन कितना था वन, और एम टू कितना है टू। तो एम वन आपका इसमें वन है और एम टू कितना है टू है। वाई टू कितना है इसमें माइनस थ्री, वाई टू कितना है माइनस थ्री, वाई टू माइनस थ्री हो गया। एम टू कितना था इसमें टू, और वाई वन माइनस वन। एम वन प्लस एम टू वन प्लस टू, माइनस थ्री माइनस टू, वन प्लस टू थ्री, माइनस फाइव अपॉन थ्री। ये आपका आंसर आ गया माइनस फाइव अपॉन थ्री। ये आंसर आ गया आपका माइनस फाइव अपॉन थ्री। इसके बाद अभी आपने पॉइंट किसके निकाले, पी के पॉइंट निकाले। पी के पॉइंट क्या निकले आपके, एक्स के पॉइंट निकले आपका टू एंड वाई का पॉइंट कितना निकला माइनस फाइव पॉइंट थ्री। तो पी के पॉइंट आ गए आपके आपके टू कॉमा माइनस फाइव पॉइंट थ्री, टू कॉमा माइनस फाइव पॉइंट थ्री। इसके बाद आपने निकालने हैं क्यू के पॉइंट। अभी पी के पॉइंट निकाले आपने, आप निकालोगे क्यू के पॉइंट। क्यू का रेशियो दिया आपको टू रेशियो वन, क्या दिया हुआ है टू रेशियो वन। तो कि पी के पॉइंट निकल गया आप क्यू की पॉइंट निकलेंगे, टू का रेशियो दिया, क्यू का रेशियो दिया आपको, क्यू पॉइंट का रेशियो दिया हुआ है टू रेशियो वन। इसके बाद आप क्यू के पॉइंट निकालोगे, क्यू के पॉइंट के में आपने वही पॉइंट है आपके, ए पॉइंट दिया हुआ है फोर कॉमा माइनस वन एंड बी दिया हुआ आपको टू कॉमा माइनस थ्री, और क्यू की रेशियो कितनी दी थी आपको टू रेशियो वन। क्यू की रेशियो दिया हुआ है आपको टू रेशियो वन क्यू पॉइंट का। देन सेक्शन फार्मूला अप्लाई करोगे इसमें भी आप। सेक्शन फार्मूला क्या था आपका, एक्स इज इक्वल टू एम वन एक्स टू एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। एम वन दिया आपको टू, एक्स टू दिया हुआ है माइनस टू, एम टू है वन, एक्स वन कितना है फोर, एम वन प्लस एम टू टू प्लस वन टू मल्टीप्लाई माइनस टू माइनस फोर, फोर वन जा फोर, टू प्लस वन थ्री, माइनस फोर प्लस फोर जीरो अपॉन थ्री जीरो। देन वाई के पॉइंट निकालोगे आप, वाई इज इक्वल टू एम वन वाई टू एम टू वाई वन एम वन प्लस एम टू,
एम वन कितना दिया हुआ है आपको, टू, वाई टू, वाई टू दिया हुआ है माइनस थ्री, एम टू दिया हुआ है वन, वाई वन दिया हुआ है माइनस वन। एम वन प्लस एम टू, टू प्लस वन, टू मल्टीप्लाई माइनस थ्री माइनस सिक्स, प्लस माइनस 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 वन, टू प्लस थ्री, सॉरी टू प्लस वन थ्री, माइनस सिक्स माइनस वन माइनस सेवन अपॉन थ्री। तो पी के पॉइंट्स के आप क्यू के पॉइंट्स आ गए जीरो कोमा माइनस सेवन अपॉन थ्री, क्यू के पॉइंट्स के आपके जीरो कोमा माइनस सेवन अपॉन थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री में देखिए, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स माइनस थ्री कोमा टेन एंड सिक्स कोमा माइनस एट इज डिवाइडेड बाय माइनस वन कोमा सिक्स। इसमें आपको फाइंड क्या करना है, रेशियो, इसमें आपको रेशियो निकालनी है, यानी एम वन रेशियो एम टू फाइंड करना है। इससे पहले क्वेश्चंस में आपने रेशियो गिवन थी, आपने क्या फाइंड किया था, एक्स और वाई के पॉइंट फाइंड किए थे। इस क्वेश्चन में आपसे फाइंड द रेशियो पूछ रहा है, एम वन रेशियो एम टू। पॉइंट दिए हुए आपको, ए के पॉइंट गिवन है, बी के पॉइंट गिवन है और एक्स और वाई गिवन है। आपको पॉइंट्स रेशियो निकालना है एम वन रेशियो एम टू। ये आपका क्या होता है, एक्स वन वाई वन, ये पॉइंट होते हैं एक्स वाई, ये पॉइंट क्या होता है एक्स टू वाई टू। सेक्शन फार्मूला क्या होता है आपका, क्या था सेक्शन फार्मूला, एक्स इज इक्वल टू एम वन एक्स टू एम टू एक्स वन, एम वन प्लस एम टू। इसमें एक्स पॉइंट क्या गिवन दिए हुए आपको, माइनस वन, एक्स वन कितना, एक्स कितना दिया हुआ है आपको, माइनस वन दिया हुआ है। एम वन गिवन है, नहीं दिया हुआ, तो एम वन जगह एम वन लिखोगे। एक्स टू कितना दिया हुआ है, सिक्स, एक्स टू आपको दिया हुआ है सिक्स, एक्स वन माइनस थ्री, एम वन प्लस एम टू, देन क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस वन की मल्टीप्लाई एम वन प्लस एम टू से करोगे तो आपका आएगा माइनस एम वन माइनस एम टू, सिक्स एम वन प्लस माइनस माइनस थ्री एम टू। एम वन को इधर ट्रांसफ़र किया आपने, माइनस एम वन, ये प्लस सिक्स एम वन है, इस तरफ जाएगा माइनस सिक्स एम वन होगा, एम टू इधर ट्रांसफ़र होगा आपका, माइनस एम टू है, इक्वल किस तरफ ट्रांसफ़र होगा,
साइन चेंज होगा, प्लस एम टू माइनस एम वन माइनस सिक्स एम वन माइनस सेवन एम वन माइनस थ्री एम टू प्लस एम टू माइनस टू एम टू। माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपका आ गया सेवन एम वन इज इक्वल टू माइनस टू एम टू। सेवन एम वन इज इक्वल टू टू एम टू। आपको रेशियो फाइंड करनी है, एम वन के नीचे एम टू से डिवाइड करोगे, एम वन अपॉन एम टू, एम टू को नीचे लेंगे आप डिवाइड में, ऐसी सेवन जाएगा टू के नीचे, टू अपॉन सेवन। इसमें आपने एम टू को नीचे लेंगे एंड सेवन को लेके टू के नीचे, तो एम वन रेशियो एम टू आ गया टू अपॉन सेवन, एम वन रेशियो एम टू आएगा टू रेशियो सेवन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में दिया आपको फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑफ ए पॉइंट, ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, वेयर ए बी इज द डायमीटर दिया हुआ ऑफ ए सर्कल। ए बी क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है सर्कल का।